वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज के टाइम पे एआई के बारे में आई डोंट नो कोई होगा जो नहीं जानता होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड चैट जीपीटी के बाद एआई का कुछ ज्यादा ही बूम हुआ था। सब लोग चैट जीपीटी से ही एआई को जानने लगे हैं। एंड चैट जीपीटी एक ऐसी चीज थी जिसे हम लोग सोचते थे कि यार एक ये ऐसा चैट बॉट आया है जो गूगल को भी फेल कर देगा। मोस्टली लोग अब चैट जीपीटी से अपना काम कराना स्टार्ट कर दिया था, बट उसी को बीट करने के लिए गूगल ने उस टाइम पे ही अपना एक खुद का चैट बॉट अनाउंस कर दिया था जिसको बोलते थे बार्ड। बट बार्ड का कंपैरिजन अगर चैट जीपीटी से किया गया था, अभी मैं आपको पीछे की थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में फिर चैट जीपीटी का डेमो देखें। तो बार्ड ने कुछ गलत आंसर्स कर दिए थे जिससे बार्ड को बड़ा ज्यादा ट्रोल किया गया था कि यार ये कॉम्पीट नहीं कर सकता चैट जीपीटी के साथ। बट गूगल ने उस टाइम पे हार नहीं मानी, वापस गया एंड अब मई 2023 में अपना बार्ड वापस से इन्होंने रिलॉन्च किया है एंड इट इज इंडीड वेरी पावरफुल। बहुत पावरफुल चैट बॉट है, शायद चैट जीपीटी की लड़ भी आप इसे बोल सकते हो। इस वीडियो में डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे लाइव डेमो में कि चैट जीपीटी को बीट करने वाला ये बार्ड है क्या, इसे हमें कैसे यूज करना है। यस, ये आ चुका है एंड उसके लिए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ही लेके चलता हूं। आप इसे मोबाइल पे भी यूज कर सकते हो अभी के लिए, बाकी हम लैपटॉप पे दिखा देते हैं आपको डिटेल में। यहाँ पे आपको मेरे लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही है एंड मैं बार्ड अभी यूज कर रहा था। चैट जीपीटी अपनी जुबान से उतरा नहीं है, अभी मैं इसको चैट जीपीटी बोलने वाला था एंड मैंने इससे सारे पॉसिबल जो क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी पूछ के देख लिए थे ताकि मैं आपको डिटेल में और अच्छे से समझा सकूं। एंड मैंने बार्ड के बारे में बार्ड से पूछ लिया कि व्हाट इज बार्ड। ओके, तो उसने बोला है बार्ड एक LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल चैटबॉट है जो डेवलप किया है गूगल AI ने एंड लैम्डा फैमिली पे है ये। अब मैं डिटेल में आई के ये जो सारी डिटेल में लैम्डा एंड ऑल ये सारी चीजें तो नहीं बताऊंगा, बहुत ज्यादा IT हो जाएगा, बहुत ज्यादा टैग हो जाएगा। आई होप मैं बहुत बेसिक रखूंगा इस चीज को। ओके, तो ये सब कुछ कर सकता है इस पे। अब मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूं नए विंडो में ले जाके कि हम लोग कैसे, यहां पे अगर हम गूगल बार्ड लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का पहला ही एक ऑप्शन दिख जाएगा, मीट बार्ड। बीटा पे है अभी ये, इसका बीटा चल रहा है हम, बट इसे यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी की तरह। ये इनिशियली फ्री है, वैसे मुझे लगता है कि गूगल बार्ड फ्री ही रहेगा। तो ये आ गया है गूगल बार्ड। अब इसमें क्या क्या चीजें वो देख लो। ओके, आई एम बार्ड योर क्रिएटिव हेल्पफुल कोलेबरेटर, आई हैव लिमिटेशंस, वॉन्ट ऑलवेज गेट इट राइट, बट योर फीडबैक विल हेल्प मी टू इम्प्रूव। ओके, चलो ठीक है, इसको तो हम छोड़ते हैं। अब बार्ड में है क्या, अगर हम इस पे टैप करें इसकी ये मेन्यू पे, यहाँ पे टैप करते हैं, एक्सपेरिमेंट है यानी कि बीटा चल रहा है अभी, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, रीसेट चैट, जैसे मैं यहाँ से मैंने जो सर्च किया था वो सारा कुछ हम यहाँ से मिटा सकते हैं जो हम चैट जीपीटी पे अभी नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो अब एक नया पेज खुल के आ जाएगा इस तरह का, आप यहाँ से अपनी थीम सेट कर सकते हो, ब्लैक है तो ब्लैक कर सकते हो, डार्क है तो लाइट करनी है तो आप यहाँ से लाइट कर सकते हो। उसी के साथ यहाँ पे आपको बार्ड एक्टिविटी जो अपने एक्टिविटीज की है, जैसे हम गूगल एक्टिविटीज होती है ना कि गूगल पे हम लोग फोटोज अपलोड किए या फिर गूगल की हमने अगर मैप की एक्टिविटीज ऑन की हुई है या फिर हमने सर्च हिस्ट्री ऑन की हुई है, तो वो सारी चीज यहाँ पे दिखा देगा। है तो गूगल का पार्ट ही, एक गूगल की खुद की सर्विस है, तो सारी चीजें जो गूगल में दिखाते हो वही। यहाँ से हम लोग FAQ देख सकते हैं, मतलब आपसे इससे कुछ पूछना हो व्हाट इज बार्ड, मतलब बार्ड के बारे में जो भी पूछना है, ओके क्वेश्चन एंड ऑल, वो आप पूछ सकते हो। अपडेट्स जैसे यहाँ पे आएंगे वो आपको यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। बार्ड का भी ये वाला चल रहा है, ओके 2023.0.5 एंड यहाँ पे 0.10, ये अपडेट्स फ्रीक्वेंट आते रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप हेल्प सपोर्ट देख सकते हो। ओके, ये जैसे हम इस पर टैप करेंगे तो यही खुल के आएगा। ओके, अब हम गूगल बार्ड से पूछ लेते हैं जो पॉसिबल क्वेश्चंस हम लोग लिख सकते हैं। ओके, गूगल बार्ड से हम लोग लिखवा लेते हैं, हम चैट जीपीटी के बारे में पूछ लेते हैं, व्हाट इज चैट जीपीटी। गूगल बार्ड से चैट जीपीटी के बारे में पूछ लेते हैं। चैट जीपीटी पे तो टैट डॉट 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 चलता है, यहाँ पे कुछ इस तरह का चलता है ये एंड बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट। आप यहाँ पे देख लो चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ इसने लिख के दे दिया है एंड अब यहाँ पे हम देखें तो सोर्स इसने बता दिया है कि ये वाला सोर्स है चैट जीपीटी का जो विकिपीडिया से इसने उठाया है। आप इस रिस्पॉन्स को जो ये पूरा लिखा है, आप चाहते हो कि इसे यार मैं इसको किसी को शेयर कर दूं मैसेज में या फिर ईमेल पे, तो आप इसको इंस्टेड ऑफ ऐसे कॉपी करने के बजाय, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी एंड यहाँ पे कई सारे रिस्पॉन्सेज हैं जो भी आपको अच्छे लगते हो आप यहाँ से रीजनरेट कर सकते हो सारे रिस्पॉन्सेज को, यहाँ पे देख सकते हो। ओके, एंड आपको ये रिस्पॉन्स अगर पसंद नहीं आया तो आप यहाँ से इसे रीजनरेट भी कर सकते हो, लाइक सी ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसे रख सकते हो। उसी के साथ साथ चलो ठीक है, आपको ये वाला पसंद आ गया है, अब आपको यहाँ से इसे एक्सपोर्ट करना है, ये एज इट इज इसको एक्सपोर्ट कर देगा, डॉक में करना है डॉक में कर सकते हो और ईमेल में ड्राफ्ट करना चाहते हो। जैसे मैंने बोला था अगर आपको ईमेल भेजना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ से ईमेल भी भेज सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें इसमें
जो आप कर सकते हो, तो यहां से आप डायरेक्ट ईमेल भी कर सकते हो एंड एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। उसी के साथ साथ ये बोल रहे हैं कि और भी रिलेटेबल सर्च है जो आप कर सकते हो चैट जीपीटी के बारे में। इज एलन मस्क ऑनर ऑफ चैट जीपीटी, ये सारी चीजें भी लोग पूछते हैं, रिलेटेबल क्वेश्चन है जो करते हैं। एंड यहां से अगर आप चाहते हो कि यार यही सारी रिलेटेबल सर्च मुझे गूगल पे करनी है, तो आप यहां से गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। और आपको यहां पे लिखवाना है ईमेल टू, यहां से आप प्रॉपर लिखो, ओके राइट एन ईमेल, रेजिग्नेशन लिखवा लेते हैं इससे, ठीक है रेजिग्नेशन ईमेल, ओके गलत कर दिया मैंने यहाँ पे रेजिग्नेशन, इसको गलत ही रखना था क्योंकि चैट जीपीटी स्पेलिंग भी अपने आप सही कर देता था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा स्ट्रांग है उसका, ओके मशीन लर्निंग एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी है उसकी। बट इस पे भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको कॉन्टेक्स्ट नहीं देते कि कैसे लिखना है, बट हम इसे ऐसे बोल देते हैं, ओके राइट एंड रेजिग्नेशन ईमेल, ओके ए लिखने वाला था एंड लिख दिया मैंने, बट फिर भी इसको समझ आ गया, श्योर ही इज एग्जांपल। तो ये रेजिग्नेशन इसने ईमेल लिख के दे दिया है, दिस इज रियली नाइस एंड बहुत फास्ट है चैट जीपीटी, अब थोड़ा बहुत टाइम लेने लगा है बट ये नहीं लेता है। ओके आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू डिसीजन, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, हम चाहते कि यार ये थोड़ा सा ना क्लियर हो या फिर थोड़ा सा पोलाइट और प्रोफेशनल हो, तो हम यहाँ से इसे बहुत सिंपल सा सिर्फ ये कर देंगे, बी प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल, इसको कॉपी करो एंड यहाँ से इसे पेस्ट कर दो एंड अब आंसर कर लो यहाँ पे, अब ये रीजनरेट करके दे देगा एंड काफ़ी प्रोफेशनल लिखेगा एंड थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल भी यहाँ पे इसने लिख दिया है। ओके पहला वाला ये लिखा था इसने, आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म माई डिसीजन टू रिजाइन, एंड यहाँ पे आप देखो, ओके आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म माई डिसीजन टू रिजाइन माई पोजिशन एंड दिस माई लास्ट डे एम्प्लॉयमेंट दिस, आई हैव एक्सेप्टेड अ पोजिशन, ये तो इसने ओके एंड यहाँ पे क्या चेंजेस, आई हैव एक्सेप्टेड द पोजिशन, आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड यहाँ पे आई अंडरस्टैंड माई रेजिग्नेशन, बस हल्का सा चेंजेस किया है, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल बना दिया है, बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे लगे नहीं इसमें। एंड यहाँ पे आप बोल के भी, आपको अगर कुछ बोल के सर्च करना है, जैसे हम गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बोल के भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। एंड मैंने एक चैट जीपीटी से बहुत अच्छी चीज़ कराई थी, जिससे मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपने यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखवाता हूँ, तो यहाँ से हम देख लेते हैं गूगल के लिए गूगल ऐसी स्क्रिप्ट लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है गूगल बार। ओके तो यहाँ से हम लिख देते हैं राइट अ स्क्रिप्ट ओके ऑन गूगल बार्ड, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ यूट्यूब वीडियो ओके ऑन गूगल बार्ड इन हिंदी, क्योंकि मैंने सुना है ये 100+ लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट भी कर सकता है, 100+ लैंग्वेजेस, एंड ये ऑलमोस्ट 180 कंट्रीज में ये लॉन्च हो चुका है, मतलब मोस्टली लोग अब इसे यूज कर सकते हैं। तो अब मैंने ये पर्टिकुलर चीज चैट जीपीटी से लिखवाई थी एंड इसी के बारे में, ओके आई एम स्टिल लर्निंग लैंग्वेज सो दैट, ओके भाई ये नहीं लिख पा रहे अभी, तो नहीं लिख पा रहे, लेट्स सी वापस से एक बार रीजनरेट करके देख लेते हैं इसे। चैट जीपीटी ने बहुत जल्दी लिख के इसे दे दिया था, आई एम एन LLM ट्रेन एंड रिस्पॉन्ड सबसेस्ट, ओके ये नहीं लिख पा रहा है, और क्या चीज़ लिखवा है, राइट अ स्क्रिप्ट हिंदी की जगह हम इसको सिर्फ वैसे कर लेते हैं, राइट अ स्क्रिप्ट ऑन यूट्यूब वीडियो, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर अ यूट्यूब वीडियो हिंदी हटा देते हैं, अपडेट करके देख लेते हैं इस पे कोई रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। एंड ये इंटीग्रेट हो सकता है मतलब जीमेल के साथ और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस के, और भी बहुत इसके फ्रिक्वेंट अपडेट आने वाले हैं, यहाँ पे इसने लिख के दे दिया है, ओके श्योर ये द स्क्रिप्ट, हिंदी में तो इसने नहीं लिखी बट हिंदी में चैट जीपीटी ने लिख दी थी, इसने लिख दिया इंट्रो हम ऐसे करेंगे, हे एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल, टुडे आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट गूगल बार्ड, एंड ये रहा गूगल बार्ड के बारे में इसने ऑलमोस्ट सब कुछ लिख दिया कंक्लूजन के साथ, एंड सोर्स भी इसने बता दिया है, मैंने यहाँ से लिखा है सोर्स, मुझे लग रहा है इसने कोई यूट्यूब की वीडियो से ही ना उठा के लगा दिया हो। ओके स्टिल स्क्रिप्ट यहाँ से ये भी कर सकते हैं, राइट अ स्क्रिप्ट फॉर यूट्यूब ऑन गूगल बार्ड, हाउ डू यू राइट अ स्क्रिप्ट ऑन, ओके रैप लिखवा लेते हैं, मैंने चैट जीपीटी से रैप भी लिखवाया था, एक रैप लिखवाया हिंदी में, इंग्लिश में लिखवा लेते हैं, ओके राइट अ रैप सॉन्ग, सॉन्ग की जगह कुछ और लिख दिया है, मैं वापस से देखते हैं पहचानता है कि नहीं पहचानता है, सॉन्ग लिख दिया है, ओके कुछ स्पेलिंग मिस्टेक अगर वहां पे होती थी चैट जीपीटी में तो वो जरूर कर देता था। ओ माई गुडनेस इसने लिख दिया है, वर्ड्स देख सकते हो, कोरस देख सकते हो, आई एम गूगल बार्ड, आई एम हियर टू से आई एम द स्मार्टेस्ट AI इन द लैंड, ओके वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिखा है। एंड यहाँ से मतलब हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ करा सकते हैं, बाकी मोस्टली लोग अभी भी चैट जीपीटी को एक ईमेल लिखने के लिए, अपना होमवर्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड वही सेम चीज़ अब मुझे लग रहा है गूगल बार्ड से होने वाली है, बट चैट जीपीटी और गूगल बार्ड का अभी बहुत ज़्यादा टक्कर है
कौन सा आपको एआई या चैटबॉट पसंद है कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी ये पूरा जो है गूगल बार्ड मैंने आपको बता दिया कैसे, अभी लर्निंग फेज है गूगल बार्ड के लिए भी, अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सेज ये नहीं दे पा रहा है जो चैट जीपीटी दे सकता है, एंड बहुत से ऐसे जो चैट जीपीटी नहीं दे सकता लेकिन गूगल बार्ड दे रहा है। बाकी आपको कौन सा पसंद आएगा, कौन सा पसंद आने वाला है, या कौन सा आप पर्टिकुलर यूज करते हो चैटबॉट अपने पर्सनल काम करने के लिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। बाकी उसी के साथ साथ आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना गूगल बार्ड के बारे में क्लियर हुआ होगा। इफ ये वीडियो वर्थ वॉचिंग लगी है तो कमेंट बॉक्स में येस नो लिख सकते हो, कौन सा चैटबॉट यूज कर रहे हो वो भी लिख देना। उसी के साथ साथ वीडियो भी पसंद आई होगी, फाइव है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच।